हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको यहाँ पे थोड़ी सी एको फील हो रही होगी बिकॉज मैं हूँ अपने वॉशरूम में और आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी आपने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, माय स्किन केयर रूटीन। मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, माय डेली स्किन केयर रूटीन, माय वीकली स्किन केयर रूटीन एंड माय मंथली स्किन केयर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली स्किन केयर रूटीन। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मेरी 2 शूट्स थी और शूट में मेरा कैरेक्टर ऐसा था जिसमें मुझे अपना कम्प्लेक्शन डार्क करना था, डल करना था फेस, नेल्स गंदे करने थे। और अगर आप ये देखें तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, ये बेस था और ये मेरा अपना कम्प्लेक्शन है। इसी तरह से फेस में डार्क सर्कल्स एंड आईब्राउज शॉर्ट, और आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा वो प्ले एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। फिर आपको समझ आएगा कि मेरी ये हालत क्यों हुई हुई है। तो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग के लिए मैं स्विच करती रहती हूँ, लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है क्लेंजिंग के लिए, वो आप सबके घरों में मौजूद है, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप कोशिश करें जब आप लें तो वो ऑर्गेनिक हो, कोल्ड प्रेस्ड हो और एक्स्ट्रा वर्जिन हो। कोकोनट ऑयल को आप कॉटन पे, मैंने डिप किया और इसको मैं फेस पे स्प्रेड करूंगी बिकॉज वी आर गोइंग। ओके, आप अभी से देखें सिर्फ लगाने में। और मैंने अपना बेस जो है वो थोड़ा सा साफ भी कर लिया था कि कहीं आप लोग डर ना जाएं। उसके बावजूद आप देखिएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वीडियो बनाने से पहले। ओके, सो अब आप देखिएगा कि इतना मेकअप साफ करने के बाद भी आपको कितना डर्ट और इम्प्योरिटीज और मेकअप टिश्यू में मिलेगा। मसाज इज द की। प्लीज डोंट जज मी विद माई नेल्स बिकॉज दिस इज फॉर अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन अ प्ले फॉर हम टीवी। नेक्स्ट शुड बी अपवर्ड्स। डोंट फॉरगेट द नोज एरिया। अच्छा जी, अब हम इसे साफ करेंगे। आपको पता है ना, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो मैं आंखों पे क्लेंजिंग या कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रब नहीं कर सकती। ये अभी क्लेंजिंग के बाद है। मैं फेस वॉश करूंगी। ये क्लीन एंड क्लियर का एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है, डेली फेस वॉश। इसको मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपने फेस पे डैप करूंगी। और उसके बाद अब आपकी स्किन के पोर्स सब खुल चुके हैं और साफ हो चुके हैं। अब आप लगाएंगे टोनर। ये बॉटल है, मैंने ये पूरा यूज़ कर लिया। अब इसमें मैंने फिल किया है रोज़ वाटर और विच हेज़ल। ये दोनों चीज़ें वो हैं जो आपके पोर्स को बंद करती हैं और आपके कम्प्लेक्शन को ब्राइट करती हैं। ओ, सो रिफ्रेशिंग। अब आप इसे जेंटली फिंगर्स से मसाज करें ताकि प्रोडक्ट पेनिट्रेट करे और ये फ्रेशनेस जो है ये लास्ट करे। जब तक हमारा टोनर ड्राई होता है, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, कल संडे है, छुट्टी,
तो मैं अपने बालों में लगाऊंगी ऑयल। वैसे भी मेरे बाल बहुत फ्रिजी ड्राई हो रहे हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी रेसिपी इस ऑयल की भी जो मैं बनाती हूँ उस सीज़न के लिए जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ऑयलिंग करूंगी बालों के सेक्शन करके। अपना ऑयल जो है वो मैंने इस तरह की बॉटल में फिल की है जो हेयर कलर्स के साथ आती हैं, तो इससे ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईवन होती है, सेक्शंस की भी ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत इजीली आप इसको इस तरह से अप्लाई करके मसाज कर सकते हैं। जी, ऑयल मैंने लगाया अच्छी तरह से बालों में, फिर बाल ब्रश किए हैं, फिर उसकी चुटिया बनाई है और उसको अपनी कैप में रैप कर दिया ताकि मैं आराम से सो सकूं और मेरा तकिया भी साफ रहे, उस पर तेल ना लगे। अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं ले रही हूँ टाचा की वाटर क्रीम, ये इसका टेक्स्चर है और इसके साथ एक बहुत प्यारी सी गोल्डन स्पून भी आती है ताकि आप अपने हाथ प्रोडक्ट के अंदर ना लेके जाएं, और इसको निकालने के लिए एक स्पैचुला हो आपके पास, आप इसको स्प्रेड करें फेस पे, नेक पे, और उसके बाद इसे जेंटली मसाज कर लें। आई एरिया छोड़ दें क्योंकि आई के लिए हम अलग से क्रीम लगाएंगे, लेकिन आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप इन सारे स्टेप्स के बाद वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पर्पज़ ये है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। जी, तो ये थी मेरी डेली स्किन केयर रूटीन। अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। अभी आपको स्किन थोड़ी ऑयली लगेगी, लेकिन जब मैं सुबह उठूंगी और इसे वॉश करूंगी तो फ्रेशनेस मुझे फील होगी। अब आपसे नेक्स्ट मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।